नौजवान पीढ़ी अपनी शहादत से हिसाब देगी, लेकिन क्या बोले नारसी तो नहीं लागू करने देंगे। ना जाएंगे, डट जाएंगे, लेकिन कागज नहीं। उत्तर प्रदेश से रीचा सिंह जी की मैं बात बता दूं आपको। रीचा सिंह जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र स्टूडेंट है। ये एक छात्र स्टूडेंट है, पहली महिला छात्र सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रही है, जिसने योगी आदित्यनाथ को यूनिवर्सिटी में आने से रोका। ये वो आवाज है जिसने संघवाद को, आरएसएस को स्कूल में, कैंपस में, यूनिवर्सिटी में आने से रोका। ये शाहीन बाग की आवाज है। रीचा सिंह का जोरदार स्वागत होना चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। रीचा, जो हिंदुस्तान की साझी विरासत के लिए जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जहां पर गंगा के पानी से आरती होती है तो गंगा के पानी से वजू करना भी आता है। हम लोग उस गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं। महाराष्ट्र की ये वही क्रांतिकारी धरती है जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। आज इस महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती से हम फिर कहना चाहते हैं कि आजादी और संविधान को बचाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम फिर से लेके रहेंगे। वही महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने यह नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज जब हम शिक्षित हो रहे थे, पूरा देश संगठित हो रहा था, रोहित वेमुला की लड़ाई सिर्फ हैदराबाद नहीं लड़ता था, सांप्रदायिकता की लड़ाई इलाहाबाद में भी हो रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम गौरव को सड़कों पर आना पड़ा? हुआ ये कि जब हम शिक्षित हो रहे थे, जब हम संगठित हो रहे थे और जब हम संघर्ष कर रहे थे, तो इस सरकार को, इन तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं हुआ और जामिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जेएनयू में घुस घुस कर छात्रों को रौंदा गया, छात्रों को पीटा गया। आज खतरा है बाबा साहब के सपने पर, आज खतरा उस सपने पर है जो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने देखा था और हम लड़कियों को पहला स्कूल खोल कर दिया था, जिसके नाते आज हम बंबई में खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। जीना जानते हैं।
करना शुरू कर दिया। सवाल कागज का नहीं है, सवाल तो सरकार के रिपोर्ट कार्ड का। हम तो कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो लेकर जाएंगे। साथियों, मैं इलाहाबाद से आई हूं। इलाहाबाद के रोशनबाग में पिछले 15 दिन से महिलाएं डटी हुई हैं। इलाहाबाद के रोशनबाग की रोशनी लेकर आई हूं, शहीन बाग की आवाज लेकर आई हूं, सच्ची बात का इंकलाब लेकर आई हूं और महाराष्ट्र की धरती से कहना चाहती हूं कि कैब एनआरसी तो नहीं चलेगा। ये वही सरकार है जो हमसे पूछती है जब हम सड़कों पर निकलते हैं कि मुसलमानों से और ईसाइयों से इतना प्यार क्यों। हम आपको बताना चाहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों और सिखों से हमें इतना प्यार क्यों, क्योंकि हम गांधी को मानते, वही गांधी जो हाथ में गीता रखते थे और मुंह पे राम रखते थे लेकिन कभी कम्युनल नहीं कहते। हम उस देश की संतान है जहां पर डॉक्टर इकबाल ने कहा इमाम हिंद के है राम, और इन लोगों ने राम का नाम लेकर सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। ये वही लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी की बात करते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, हम गांधी को मानते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, अब्दुल कलाम आजाद को मानते हैं। साथियों, आजादी के बाद ये पहला दौर है जब इतनी बड़ी संख्या में देश की महिलाएं और देश का नौजवान सड़कों पर, और सुना है कि ये सरकार जो ये कहती है कि ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई, हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं। और इस सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इस बार हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई का परचम इस देश की महिलाओं ने अपने हाथ में थामा है। और प्रधानमंत्री जी, इस बार आपकी लड़ाई इस देश की महिलाओं से लड़ाई है, इस बार आपकी लड़ाई देश के नौजवानों से है। काली रात में लेके उजाले बैठी है, काली रात में लेके उजाले बैठी है। देखो मेरी माए बहने अपने गोद में देश संभाले बैठी, लड़ाई हिंदू मुसलमान का नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, इतिहास लिखा जाएगा कि जब देश का संविधान खतरे में था तो इस देश की महिलाओं ने मोर्चा लिया था, इस देश के मुसलमानों ने मोर्चा लिया था। सुना है पिछले कुछ दिनों से धमकियों का दौर शुरू हुआ। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज धमकियां देते हैं और रोज कहते हैं कि मुसलमानों की आने वाली 10 पीढ़ियों को हिसाब देना, मुसलमानों की आने वाली 10 पीढ़ियां याद रखेंगी। हम भी कहना चाहते हैं कि इस बार देश का नौजवान और देश की महिलाएं आपको वो सबक दिखाएंगी कि नागपुर की 56 पीढ़ियां याद रखेंगी।
सड़कों पर आ गए, जब देश का प्रधानमंत्री ट्विटर खेलने लगता है, सारा चैलेंज ट्विटर पर से दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री ट्विटर खेलने लगता है, तो देश की जनता को सड़कों पर आके हिसाब मांगना पड़ता है। हम और आप इसलिए हम लोहिया जी की संतान है, हम समाजवादी लोग हैं, वो ही लोहिया जी जो ये कहते थे कि जब संसद आवारा हो जाती है, जब देश की सड़कें सूनी हो जाती है, तो संसद आवारा हो जाती है। और यही हुआ, इस देश की महिलाएं घर में क्या बैठ गई, इस देश की संसद आवारा हो गई। सुना है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने कहा है कि एनआरसी ला के रहेंगे, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि बात गृह मंत्री से शुरू हुई थी और हर घर के गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है, और मोर्चा इस देश की महिलाओं का। मैं आपसे कहना चाहती हूं, ये समय बहुत कठिन है, लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान ने ऐसा कठिन समय पहली बार नहीं देखा। हमने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की हुकूमत को भी झेला, वही अंग्रेजों की हुकूमत जो चिट्ठी लिखकर कहती थी कि हिंदू और मुसलमान की एकता बनी रहेगी तो हम हिंदुस्तान में कब्जा नहीं कर पाए। दरअसल बात वहीं से शुरू हुई है और आज बात फिर से वहीं पर आ गई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि सत्ता में बने रहना है तो हिंदू मुसलमान की एकता से सत्ता नहीं मिली, लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं कि वो ही हिंदुस्तान है जहां की मिट्टी में भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद का खून और पसीना मिला। सवाल कागज का नहीं है सिर्फ, मैं आपसे फिर कहना चाहती हूं कि सवाल कागज का नहीं है सिर्फ, सवाल इस बात का है कि वोटर आईडी आधार कार्ड तो हम पहले ही बना चुके हैं। कागज दिखाने की बात नहीं है, और यहां पे हम सिर्फ अपने और आपके लिए नहीं बैठे हैं, यहां पर हम बैठे हैं कि देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं चलेगा जो ये कहता है कि धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं हो। हम नौजवान, हम महिलाएं सड़कों पर इसलिए निकली है क्योंकि दूर के कोने में, देश के किसी कोने में बैठा हुआ वो गरीब परिवार जिसका कोई धर्म तो नहीं जानता लेकिन उसके पास कागज नहीं, उसकी लड़ाई हमको और आपको कंधे से कंधा मिलाकर लड़नी होगी। ये वही महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती है जहां से बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वराज मांगा था तो उनके ऊपर 3 बार देशद्रोह का मुकदमा हुआ था। एक बार फिर से मोदी और योगी देशद्रोह का मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाराणसी में महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों में 2000 महिलाओं के ऊपर मुकदमे किए हैं, जिसमें से हम लोग भी एक। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे मुकदमों की तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी महिलाओं की हौसले बुलंद हो रहे हैं और शाही मान, रोशन मान सबकी बात से होते हुए आज ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के हर कोने में फैल रही है। और हम तब तक लड़ेंगे। हमारे एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि सुना है कुछ लोग आंदोलन की कीमत लगाने
में कुछ लोग शाहीन बाग की तुलना 500 रुपए से कर रहे हैं। हम आपकी मजबूरी समझते हैं। जिनका आंदोलन का इतिहास ना हो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी की हो, वो आंदोलन का ही हिसाब लगा। प्रधानमंत्री जी आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं, अमित शाह जी भी इतिहास नहीं पढ़ते, हमारे योगी जी भी इतिहास नहीं पढ़ते, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, भले मंच से और पूरी जिम्मेदारी से मैं एक हिंदू हूं, फिर भी कहना चाहती हूं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि हम पाकिस्तान चले जाएं। इस देश के मुसलमानों के पास विकल्प था, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना की उंगली नहीं पकड़ी, गांधी की उंगली पकड़कर हिंदुस्तान में लड़े। नागपुर के कार्यालय के पास ये मौका नहीं था कि आप रास्तों को चुन लेते, ये मौका इस देश के मुसलमानों के पास था, और इस देश के मुसलमानों ने अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को, अपनी उस जमीन को चुना है जहां पर हमारे पुरखों की कब्रें ही नहीं है, जहां हमारी क्रांति का इतिहास भी दबा हुआ है। इसलिए चैलेंज का दौर भी शुरू हो गया है, मुझे भी पर्ची आ गई है, समय खत्म होने की, लेकिन ऐतिहासिक धरती से, क्रांतिकारी महाराष्ट्र से एक बात का ऐलान करना चाहते हैं अमित शाह जी को, क्या वाराणसी पर चैलेंज देने की बात करते हैं, हम भी आपको समय और दिन देते हैं, आने वाली 26 जनवरी लाल किले पर होंगे, जिसमें भी दम है क्या वाराणसी पे आकर फिक्र है मुल्क वालों, करो ना फिक्र है मुल्क वालों, हम देंगे अपना लहू चिरागों में रोशनी के लिए, चिरागों में रोशनी के लिए, चिरागों में रोशनी के लिए। सुना है कि समंदर को बड़ा गुमान आया है, आप ही क्या समंदर कल ही रात में देख कर आई, समंदर को गुमान हो जाता है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी गुमान हो गया है, लेकिन एक ही बात कहना चाहते हैं कि सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, हमारी कश्ती भी उधर ही लेकर चलो जिधर तूफान आया है। उम्मीद नहीं करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे लहू और पसीने से, आपको अपनी नागरिकता का हिसाब देंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। और एक बात, अंतिम बात, कि मुकदमों का दौर शुरू हुआ है, FIR का दौर शुरू हुआ है, जेलों की तादाद बढ़ा दो, जेलों की तादाद बढ़ा दो, अभी जिंदा है मुल्क में सच बोलने वाले, जब जरूरत होगी तो सबसे पहले इस मंच पर बैठी हुई नौजवान पीढ़ी अपनी शहादत से हिसाब देगी, लेकिन कैब और NRC तो नहीं लागू करने देगी, कागज नहीं।